रायना ने बोला क्यों कि इस कलमे से मेरे नबी की तौहीन होती है और उनकी ये रहमत है कि सामने वाले की दिल शिकनी नहीं करते, मना भी नहीं करते वो, मगर हमको बर्दाश्त कब आती बात हमारे नबी की गुस्ताखी हम बर्दाश्त करना नहीं। लिहाजा मोमिन हुक्म हुआ कि सबसे पहले हुक्म हुआ कि तुम रायना नहीं कहना बल्कि उंजुरना कहना। ये मकाम नबी है कि अल्लाह ताला अपने नबी की अजमत खुद उनके गुलामों को सिखा रहा है। ला तकुलु राइना वकुल उन्ज़िरना, हाँ रही वस्महू और गौर से सुनो। वलिल काफिरीना अज़ाबुन अलीम, काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब है। बुजुर्गो दोस्तों, ये चंद कलमी तमहीदी कलिमात के बाद अगर आप सुनने चाहेंगे, सुनना बैठ अगर आप चाहते हैं तो मैं अब सरसरी सुनाता हूँ लखत जाओकुम की बात। सुनो सब बहुत अहम बातें हैं साहब, आप यकीनन फाजिल मुखर्रिर से सुने होंगे, मेरी हो सकती कोई बात क्लैश भी करती होंगी, बात नहीं भी करती होंगी। सुनो साहब, हर डगर पे नबी का मुजज़ा है जी। सुनो, लखत जाओकुम कौन सी आयत है साहब, कहाँ उतरी, किस सूरे में मालूम, माना नहीं बताया, बोलाना बताया नहीं बताया नहीं बताया तो आप बता, इसीलिए बोलाना मैं आपकी बात को कंटिन्यू करता हूँ। आपकी छुट्टी बात मैं बोलता हूँ, पहला वादा पूरा होगा। बता सुनो, बहुत ही अहम नुकात है। लकद जाकुम सूरे तौबा की आखिरी दो आयतें हैं, मालूम होगा ना सर रेफरेंस। लकद जाकुम सूरे तौबा की लास्ट दो आयतें हैं, होगा सर, पहले इसको पढ़ना सीखो। मैंने कई अइम्मा को इसकी तौहीन करते हुए सुना है, कई अइम्मा को इसकी किरात नहीं आती। देखो, किताबों से इल्म नहीं आता, आलिमों से इल्म लो, अल्लाह वालों के जूतियां उठाओ तो अदब नबी मालूम होता, किरात नबी मालूम होती, ताज़ीम नबी मालूम होती। हमारे हदीस सुने और बाकी साहब क्या नुक्ता निकाले सुनो, पढ़ते क्या था मामा, वो हम नहीं पढ़ रहे हैं, दूसरे पढ़ते हैं। लक़द जाकुम रसूलुम मिन अन्फुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहिम हरीस, ना ठहर रहा, लक़द जाकुम रसूलुम मिन अन्फुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहिम अनितुम हरीस। नाउज़ बिल्ला, ये रुकना इसको बोलते अरबी में वक्फ़े कभी, बुरा रुकना, बुरा वक्फ़े, वक्फ़े कभी बोलते हैं उसको, याद आ गया है। अगर कोई इमाम ऐसा पढ़ा लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अन्फुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनितुम हरीस, नहीं रुकना नाउज़ बिल्ला, कैसे रुकना, अगर साथ टूटी भी तो ऐसा पढ़ना लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अन्फुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनितुम हरीसुन अलैकुम, यहाँ रुकना, शान है इसमें, नबी की शान है, ताजीम है, और हरीस बोलने में एहानत का पहलू है। हरीस बोल तो दुनिया का हरीस लालची, नाउज़ बिल्ला, अरे यह मतलब नहीं होलो, यहाँ तुम्हारे ईमान की हिर्स है, इसीलिए हरीसुन अलैकुम पे ठहरो। किरात बोलो, मानेश्वरी में खाली किरात सुनो, इसीलिए लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अन्फुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनितुम हरीसुन अलैकुम, अगर ठहरना है तो, नहीं ठहरना है चलो। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अन्फुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनितुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, लेओ लेओ और वान खूब गए नबी की शान में, और हयसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, और नबी की अज़मत बढ़ गई, और तुम्हारी नमाज में चार चांद लग गए कि देखो जरा गौर से चलो, तुम बात कर रहे हैं शिर्क की, तुम बात कर रहे हैं तोड़ने की, हम बात कर रहे हैं जोड़ने की, उधर अल्लाह भी बोल रहा अल्लाह रऊफ बिल इबाद, नबी भी रऊफ है, अल्लाह रहीम है, वहां पर वो काना बिल मुमिना रहीमा, अल्लाह रहीम है, इधर रसूल भी रहीम है कहते अल्लाह अपने दो जाती नाम दिया सिफाते, अल्लाह भी रऊफ नबी भी रऊफ, वो भी रहीम ये भी रहीम। बात हम तोड़ रहे हैं क्या तुम तोड़ रहे हैं, हम तो मिलाने की बात कर रहे हैं, हम तो जोड़ने की बात कर रहे हैं। अल्लाह ने अपने दो जाती नाम
अपने नबी को दिया कि वो भी रऊफ़ है, नबी भी रऊफ़ है, वो भी रहीम है, ये भी रहीम है। बात अभी पूरी नहीं हुई, अब आइए और एक किरात और एक सुनकर। कुरान मजीद की सात किरातें हैं, सात किरातें हैं। वज़्ज़ुहा वल्लैल इज़ा सजे मा वद्दअका रब्बुका मा क़ले, किराते भी इमाला किराते 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 बुयूतिन के बियूतिन बोलते हैं पास का बियूतिन। मगर अब क्या हुआ, सात किरातों में से सबको निकाल के हफ्स की किरात पे हम पढ़ते कुरान। तो एक किरात ये भी है, सुनो, लकद जाअकुम रसूलुम मिन अंफसिकुम, लकद जाअकुम रसूलुम मिन अंफसिकुम, तुम में सब में ज्यादा नफीस, तुम में ज्यादा तहारत वाले, ताहिर बन के, मुताहर बन के, नफासत वाले नबी आ गए। अंफसिकुम नफीस कहते हैं उर्दू में, बहुत ही नफीस, बहुत ही मुलायम, नफीस कपड़े, नफीस चेहरा, नफीस ऐसा लफ्ज है जो हर एक कुछ में आता। नफीस का सुपरलेटिव फॉर्म है अंफस। अंफसिकुम, तुम में सब में ज्यादा नफीस। और नबी होता ही वैसे, हर नबी अपनी उम्मत में जाहिरन बातिनन इल्मन अकलन सब में कमाल वाला होता है। मौलाना से सुन रहे थे, आम बच्चे पैदा होते तो क्या होता, माँ को परेशानी होती, हमल में आते खया होते, उल्टियाँ होते, चकराते, गिरते, बच्चा अब चार महीने का हुआ, अब पाँच महीने का होता, जैसे जैसे बच्चा बड़ा हुआ माँ की परेशानी बढ़ते गई बढ़ते गई। नबी की शान ये है कि परेशानी घटते गई घटते गई, ताकि एक ऐसा मौका आया जब दुनिया में तशरीफ लाने वाले थे तो हालत ये थी हजरत आमिना की कि जिस जमीन पे पत्थर पे पांव रखते पत्थर नरम हो जाता, डोल के करीब जाते डोल के पानी तो पानी ऊपर आ जाता, पानी ऊपर आ जाता, जमीन अगर पत्थरेली है नरम हो जाती। रहमत वाला नबी आने वाला है। और हम देख रहे हैं कि हलीमा बहुत बड़ी खिदमत किए, हलीमा नबी को पाले, अरे हौले नबी को पाले, नबी उनको पाले। अरे नबी पाला उनको, घर जग गया उनका। मैं बोल रहा हूँ, ये उठाओ सीरत इब्ने हिशाम पढ़ो, सीरत हलीमा पढ़ो, सीरत पढ़ो, क्या लिखा हुआ है मुख्तसर। हजरत हलीमा और उनके शौहर आए, ऐसी ऊँटनी, अरे कहाँ जा रहे हैं भाई कबीले के लोग, हम जा रहे हैं मक्के के बच्चों को लाने, क्योंकि उस वक्त का कानून था कि बच्चों को पैदा होते ही किसी दाया के किसी ओपन एयर में किसी क्या बोलते आउट कट में भेज देते ताकि वो कबीले में रह के वहाँ की ऊँटियों पर निकले, ऊँटों पर लेके निकले, अब तेज भाग रहे भाग रहे भाग रहे। इधर हलीमा भी निकले, इनका ऊँट लाकर, शौहर भी इनके इसी चीज़ी, हलीमा दुबले पतले, इनके जो है बेटे थे भूखे मर रहे, भूखे दूध ही नहीं है क्या पता है कि वहाँ था। अब क्या करते, सबके ऊँटा भाग भाग भाग, हलीमा का ऊँट चल रही। याद रखो, कोई काम करने के बावजूद कोशिश के बावजूद अगर नहीं मिली तो जश्न मनाओ। अगर कोई कोशिश करने के बाद अगर तुम्हारा काम नहीं हुआ जश्न मनाओ, क्यों, इससे अच्छा मिलने वाला है। कानून है, कानून है, कानून है, कानून। दुआओं से मायूस ना हो, दुआओं से मायूस ना हो, काम से मायूस ना हो, आगे बढ़ने वालों को देख के जलन को, अरे कैसा होऊंगा कैसा होऊंगा, जाने दो जाने दो, अपने किस्मत तो आला है। दुनिया बोल रही हलीमा तुम अंदर हो गई जी, तुम दुनिया बोल रही अरे हलीमा उसे कुछ बच्चे नहीं मिले जी, जो बच्चे जब जल्दी जल्दी आए बड़े बड़े रईस घरानों के, क्योंकि बच्चों को पालना क्या है वो घराने वाले नवाज देते थे, दाया को ये ले जाओ वो ले जाओ नवाज देते, तो सब दाया क्या करे सब घरों में गए,
सरकार के पास आए, मशवरा। गरीब बच्चा है क्या, बाबा नहीं इनके, इनके बाबा नहीं, आमिना है क्या देते हैं ना, छोड़ दिए, छोड़ दिए। क्यों? किस्मत हलीमा की जगने वाली थी। देखो गौर करो, नाकामियों पर मातम मत करो, जश्न मनाओ। मेरी बात सुनो, तुम लोग कोशिश करने के बाद मायूस होते, मगर अल्लाह की रहमत से मायूस न होना। अगर तुम मायूसी के आलम में वही अंदाज से पुकारते रहेंगे, जोश में आएगी रहमत। खुदा की कसम, मैं जब बैठा हुआ हूँ, ये वही नतीजा है। हम बहुत नाकामी देखे, बहुत नाकामी देखे। इम्प्लॉयमेंट में गए, टाइपिस्ट का पोस्ट नहीं, फिटर करे पोस्ट नहीं, टाइपिस्ट व्हाट। हम बोले किस्सा क्या है? पासपोर्ट ले आके कुरान में रख दिया जी। अच्छा, अब हद ही नहीं है, अब क्या करेंगे? जितना हमसे बन पड़ा करे, नमाज पढ़े, रोजे रखे, पासपोर्ट जाए खुराम रखिए। ये सब बातें अमल कर रही थी, ये सब बातें अमल कर रही थी, अंदाजा हमको नहीं था। बोले इतना तू हमारा चाहने वाला है, पासपोर्ट में खुरान? अरे हम भी देखते रहते हैं, पासपोर्ट में खुरान देते, आईसी विदा देते बेटा, तेरे को हर जगह का माना उल्टा बेटा। बहुत कोशिश करे, फिटर में गए अंदर इंटरव्यू। हाँ मैं फिटर में 2 साल आईटी करम। टाइप ही ऐसा टाइप मारते मशीन हिलता था मेरा। अंदर उन्हें बता साहब जरा हल्लू करो साहब, क्या है ऐसा टाइपिस गया एम्प्लॉयमेंट में क्या साहब? हमारा कालीनिया हमारे दोस्तों को लेटर मिल गया। तुम्हारा नाम क्या है? मुस्तफा शरीफ। इसमें तो नाम नहीं रजिस्टर में, तुम्हारा कार्ड बताओ कार्ड। ये लो कार्ड, इसमें हायर टाइपिस्ट की एंट्री नहीं। हरी वो कौन थे कि नहीं मालूम, मेरा चेहरा देख के नाम देख के वो क्या करते, एम्प्लॉयमेंट कोड एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में X2, X3, X4 कोड में लिखते, कोड लैंग्वेज कोड में लिख दिया। क्या लिख दिया? तो हम बोले क्या सब इंट्री हो गई? हाँ इंट्री हो गई तुम्हारी, जाओ हो गई। स्टूडेंट हम समझिए, अब आता काल, जब आता काल कहाँ था दोस्तों को काल भी आगा मजे से टाइप करने के, और हम काल उठा के जी रहे दोस्तों। और हमने किस एक दिन गए, क्या किस्सा था दोस्त, हमारे सब जॉब मिल गया, मेरे लेटर नहीं आया, कहाँ कार्ड तुम्हारा? कहीं को मैं तुम्हारा कार्ड, एंट्री नहीं है वहाँ पर। अगर एंट्री होती दोस्तों, अगर वहाँ एंट्री होती टाइपिस बन के बैठे थे बाहर। बोले नहीं तेरे को टाइपिस नहीं बनना है, क्योंकि तेरे नाम की नस्बत हमारे नबी के नाम से है। तू मुस्तफा हो क्या ऐसा काम करता? मुस्तफा वाले को हम रुस्वा नहीं करते। फिर मोहम्मद मुस्तफा और दोनों बरकतें, हालात बिगड़े संवरे होते 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 बोले अल्लाह बुला रहे नादान, हम तो तेरे को बना रहे प्रोफेसर, तू बनता टाइपिस्ट, तू बनता खतर फिटर बनता तू चल। रोते गए पढ़ाते गए, मगर दुबाओं का दामन ने छोड़े। बोले जाते कहाँ? चलो नहीं मिला क्या करेंगे, जाते कहाँ? कौन सा आदर है, किसके हाँ भुगते? बोला या का नाम बुद्ध या का नस्तीन, अल्लाह जैसा भी तेरे है, अल्लाह हम तेरे ही है, तेरे दर पे पड़े हुए हैं, जैसा भी तू जो चाहे दे दे, हम मंजूर है दे दे। ले प्रोफेसर ले सामने बैठा, इसमें कोई रावी नहीं बीच में, ना कोई